हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नायका की जो मेरे पास है स्किन जीनियस कलेक्शन की तरफ से जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये नायका की मिनी स्किन जीनियस फाउंडेशन की, जो कि 7 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आता है। 149 rupees इसका MRP है और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी ये आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। आपको लेना है, मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। मेरे पास है शेड यहाँ पे 01 आइवरी और ये है मेरे हैंड्स पे ऑलरेडी, मैंने लिया हुआ है। मैं इसका स्वॉच करके आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। सो हियर इज़ द स्वॉच फॉर द शेड 01 आइवरी और ये बहुत ज़्यादा निकल चुका है बाहर, आप देख सकते हो। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि आप ये मिनी वाला ना लें, क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ही बेकार है। मीन्स मैंने जैसे इसका सील बाहर, मतलब इसके ऊपर एक ना सील्ड था ये, तो मैंने जैसे ही वो निकाल दिया ये प्रोडक्ट कंटिन्यू बाहर आता जा रहा है। तो आई वुड से कि आप इसका मिनी लेने से बचें, क्योंकि एक बार अगर आप इसका वो तोड़ देंगे ना, जो भी ये सील होता है इसका, तो इसके बाद प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो पैकेजिंग वाइज मुझे मिनी बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, फाउंडेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, क्रीमी है, काफ़ी इजी टू ब्लेंड है एंड दिस इज़ द शेड 01 आइवरी, प्योर आइवरी, ठीक है। अब इसके पास है सेम इसी नायका स्किन जीनियस फैमिली का ही BB ऑल इन वन डे क्रीम और ये SPF 30 के साथ आता है। 30 ग्राम इसमें प्रोडक्ट क्वान्टिटी होती है। सो ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। ये बिल्कुल ट्यूब की तरह है और यहाँ से निकल जाता है ये प्रेस करके, ठीक है। और आप देख लो, यूज़ के बाद ये इस टाइप का कुछ मेसी सा होता है। और इसका जो प्राइस है वो है 349 यहाँ पे इसका प्राइस और इसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है गाइस। तो आप लोग, और यहाँ पे इसका शेड है 01 फ्रेश फॉन। सो ये भी आप ट्राई करके देखो, SPF 30 है इसमें और ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, ठीक है। तो इसका मैं स्वॉच आपको दिखा देती हूँ 01 का। ये है BB क्रीम का स्वॉच, सी BB क्रीम थोड़ी ज़्यादा पिंक है, मीन्स थोड़ी ज़्यादा पिंक सी है फाउंडेशन के मुकाबले में। जो इसका BB क्रीम का जो 01 शेड है ना, वो आप देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन सा है और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट कर जाता है, ठीक है। फाउंडेशन आई थिंक ऑक्सीडाइज होके मुझे सूट कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइटर येलो टाइप का है। तो ये है इसकी BB क्रीम और ये है इसका फाउंडेशन। लास्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास ये लास्ट प्रोडक्ट नायका के स्किन जीनियस फैमिली से, ये है स्किन परफेक्टिंग एंड हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेटेड इन इटली। नेट कंटेंट इज 9 ग्राम, 01 इसकी 01 इसका शेड है नेचुरल आइवरी और ये आपको मिल जाता है अराउंड, गाइज इसके पीछे इसका प्राइस फिर से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे डिस्काउंट पे मिला था और ये आप तभी परचेज करें जब इस पर कुछ अच्छा सा डिस्काउंट होता हो। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और इस तरीके से ये सारे डिटेल्स वगैरह इसके ऊपर है कार्डबोर्ड के ऊपर, पिंक कलर का, ये पिंक और थोड़ा सा पीच, बहुत सारे कलर्स मिक्स होके बना हुआ है ये। और अंदर से पैकेजिंग बहुत अच्छी है इस तरीके के थर्मोकोल पैकेजिंग में, पर ये थोड़ा और मोटा होना चाहिए ताकि अगर आपके हाथ से ये बॉक्स वगैरह शॉपिंग करके अगर आप आ रहे हो गिर जाता है तो ये सेफ रहेगा प्रोडक्ट। सो ये है गाइज, ये दिस इज़ द कॉम्पैक्ट, ये बाहर से कुछ इस तरीके का है और इस पे मतलब अगर आप जैसे पाउडर वगैरह के हाथ से इसको टच करोगे तो ये गंदा हो जाता है, बट इजीली क्लीन हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर कलर से जो नायका का ब्रांड है वो लिखा है और इसको खोलने पे ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, जो कि शुरू में तो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगा क्योंकि इस टाइप का डिज़ाइन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, पर अभी अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसका मिरर का क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, यू कैन सी मिरर इसका बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे ये इसके साथ ये एक पतली सी शीट भी आती है तो इन दोनों के बीच में गैप रखने के लिए। और जब आप इसको थोड़ा नीचे उठाओगे, अगर आपने इसको पूरा ऐसे कर दिया ना तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो फिर आप सोचोगे मैं निकालूँ कैसे, ठीक है आपने ऐसे कर दिया इसको, तो जैसे ही आप इस मिरर को थोड़ा उठाते हो ना ये अपने आप उठ जाता है। तो अब मैं काफ़ी मतलब अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ, शुरू में तो मुझे बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था इसको यूज़ करने में। आप भी मुझे बताना आपका क्या एक्सपीरियंस था अगर आपने यूज़ किया है। तो इसको इस तरीके से उठा देते हैं तो नीचे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना, इट्स रियली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, मतलब मैक के टक्कर का ही क्वालिटी है, मैक से भी ज़्यादा सॉफ्ट बोलूँगी मैं इसको, इस एप्लीकेटर को। तो स्पॉन्ज एप्लीकेटर आता है कुछ इस तरीके के शेप का और नीचे पूरा ही ये जाली जाली सा है, आप देख लो, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है एयर पास होती रहती है, तो स्पॉन्ज जो है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये है वो कॉम्पैक्ट, और शेड है 01 इसका भी। तो मैं आपको एक बार इसको भी लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो आप, और अभी देखते हैं ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लॉन्ग वेयर है ये गाइस, मैंने इसको यूज़ किया था, काफ़ी लॉन्ग वेयर है, जल्दी स्वेट नहीं आने देता फेस पे। तो ये है, इस तरीके से इजीली ये ब्लेंड हो गया, आप देख सकते हो। सो ये थे मेरे प्रोडक्ट्स, तीन प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, ये नायका का स्किन जीनियस कॉम्पैक्ट, नायका की स्किन जीनियस बीबी क्रीम एंड नायका का स्किन जीनियस ये फाउंडेशन। सो तीनों का ही मैंने अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।